हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और सुप्रिया रान्नाघर में आप सबको स्वागत है। आज मैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सबको हिंदी में बताऊंगी, क्योंकि मेरा रेसिपी ज़्यादातर बंगाली है, हिंदी मुझे उतना नहीं आता, तो भी मैं ट्राई कर रही हूँ रिक्वेस्टेड है करके। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना आप सबको कैसा लग रही है, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं, लाइक करना और ज़्यादातर फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ राहू तंदूरी फिश की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी टाइम बहुत कम लगता है, 5 मिनट में बन जाता है राहू तंदूरी फिश की रेसिपी। तब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर मैंने 1 पाव राहू मछली ले लिया हूँ, और रोहू मछली को अच्छे से 2 से 4 बार मैंने धो के साफ कर लिया हूँ। अब इसको मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मुझे जो चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, नमक मैंने भर के ले लिया 1 टेबल स्पून, और इसमें मिलाएंगे दही। दही से पानी मैंने अच्छे से छाननी से छक लिया हूँ, इसको दे रही हूँ। अभी इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ मिलाऊंगी थोड़ा सा नींबू का जूस। इस सारी मसाला और जूस और दही और अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी इसमें मिलाएंगे घर के बना हुआ मेरा तंदूरी मसाला, जो मैं पहले चिकन तंदूरी में भी मिलाया हूँ। ये तंदूरी मसाला घर में भी बना सकते हैं, और ये मसाला से अच्छे से मछली को मैरिनेशन करके मैंने 15 मिनट के लिए बाहर छोड़ दूंगी। आपके पास फ्रिज हो तो फ्रिज में रख देना, नहीं तो बाहर भी रख सकते हो। अच्छे से मिलाने के बाद ही इसका जितना अच्छा मैरिनेशन होता है, खाने में भी उतना टेस्ट होता है। और ये तंदूरी फिश बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैरिनेशन के लिए ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता, नहीं तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी मैं इसको अच्छे से पूरा मसाला मिला हुआ हुआ है, अभी मैं साइड में रख के गैस के ऊपर फ्राई पैन बैठा के अच्छे से गरम कर लूँगी। और आप ये मसाला से आप चिकन भी फ्राई कर सकते हैं, चिकन तंदूरी भी बना सकते हैं। अभी मेरा फ्राई पैन गरम हो गया, अभी इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये सरसों का तेल में ही इसका स्वाद ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल यूज़ किया, आप चाहे तो दूसरा तेल भी ले सकते हैं। अभी मैंने मैरिनेशन के लिए 15 मिनट के बाद इसको बाहर निकाल लिया, इसमें पानी भी निकल गया। अभी मैंने उसको एक एक करके फ्राइंग पैन में डाल देंगे, बहुत धीरे धीरे हल्के हाथ से करना पड़ेगा। अभी एक एक करके मैंने सारी मछलियों को एक साथ कर लूँगी, और ये मछली गरम गरम चावल डाल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, और सिर्फ स्नैक्स में भी आप खा सकते हैं, कोई भी टाइम पे खाने के लिए अच्छा लगता, छोटे बड़े सबका पसंद है। अभी मैं हल्के हाथ से इसको पलट दूंगी, और पलटने के पहले याद रखना जे ना टूट जाए मछली, इसलिए धीरे 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 आपको इसको पलटना है। आप चाहे तो गैस के ऊपर लेके भी फ्राई कर सकती है, इसी फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, मैं फ्राई पैन में करके बता रही हूँ, ये सबसे ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और मेरा रेसिपी आपको कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, रिक्वेस्टेड है करके मैं हिंदी में बता रही हूँ, ज़्यादातर मैं बंगाली में बताती हूँ। और आप फ्रेंड लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरा रेसिपी। ऐसे धीरे धीरे 2 बार मैंने पलट दिया, और 5 मिनट में ही मेरा तंदूरी फिश तैयार हो गया। अभी हम इसको गरम गरम साफ करेंगे। मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताना, और ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। आज इतना ही, इसके बाद मैंने नया रेसिपी लेके आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी।